मंगल मंगल क्या है? मंगल है सेनापति, मंगल है क्षत्रिय प्लैनेट, मंगल का रंग लाल और मंगल है पित्त सिर का प्लैनेट। मंगल क्रूर ग्रह है, मंगल बलशाली ग्रह है, बल का कारक है, बल हिम्मत का कारक है, अग्नि तत्व का प्लैनेट है, अपुरुष प्रकृति का प्लैनेट मंगल है, मंगल तामसिक प्लैनेट है, मंगल चर स्वभाव का प्लैनेट है, मंगल जो है मज्जा होता है ना, मज्जा वो बोन मैरो को मज्जा बोलते हैं हिंदी में, बोन मैरो का कारक क्या है? मंगल मंगल अच्छा अगर डायरेक्शन की बात करें तो सूर्य की डायरेक्शन में भूल गया था, सूर्य की डायरेक्शन जो मानी जाती है वो ईस्ट मानी गई है और चंद्रमा की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट मानी गई है, तो मंगल की डायरेक्शन साउथ मानी गई है, साउथ। चंद्रमा भी सीधा देखता है अपने से अपोजिट, बस मंगल अपने से सामने भी देखता है और थोड़ा दाएं बाएं भी देखता है, इसलिए मंगल की चार तीन दृष्टि है, अपने से चौथी, अपने से अपोजिट सातवीं तो सभी की होती है सातवीं, और अपने से आठवीं, तो मंगल की तीन दृष्टि है, अपने से चौथी, अपने से सातवीं और अपने से आठवीं दृष्टि मंगल की है। ठीक, मंगल भाई को संबोधित करता है संबंध के परस्पेक्टिव से, भाइयों को संबोधित करता है, यंगर ब्रदर को संबोधित करता है, सिबलिंग्स को संबोधित करता है मंगल। मंगल हिम्मत का कारक है, मंगल जो है अच्छा एक चीज और रहेगा कि जैसा मैंने बताया ऊंच और नीच, इसी तरह होता है मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण सेकंड टू ऊंच होता है, और उच्च का जो प्लैनेट होगा ना, समझ रहा, उच्च का प्लैनेट हमेशा आमतौर पे ज्यादा केस में उच्च का प्लैनेट दूसरी राशि में उच्च करके बैठेगा, जैसे मैंने बोला भोग के घर में सास आके बैठ गई तो उच्च की हो गई। सास को मूल त्रिकोण बनना है तो अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण होती होगी, फॉर एग्जाम्पल सूर्य की अपनी राशि 5 नंबर, सूर्य की अपनी राशि 5 नंबर, सूर्य 5 नंबर की राशि में मूल त्रिकोण होता है। डिग्री का भी फर्क होता है, डिग्री का फर्क बाद में करेंगे नहीं तो ज्यादा कंफ्यूज रहेगा, तो सूर्य 5 नंबर की राशि में मूल त्रिकोण होता है, और मूल त्रिकोण में बैठा प्लैनेट बहुत पावरफुल होता है, इट्स वेरी पावरफुल मूल त्रिकोण में बैठा प्लैनेट, जैसे उच्च में होता है मूल में भी होता है, बल्कि कई बार मूल त्रिकोण इज मोर पावरफुल देन उच्च प्लैनेट, उसके रीजंस होते हैं आगे चलेंगे। सो मूल त्रिकोण में बैठा प्लैनेट कभी भी इग्नोर नहीं किया जाए, कभी नहीं इग्नोर किया जाए। इसी प्रकार मंगल जो होता है मूल त्रिकोण होता है मेष राशि, मंगल की दो राशि होती है एक मेष और एक वृषभ, वृश्चिक, दो राशि मंगल की, तो मेष राशि में मंगल मूल त्रिकोण का होता है, और मंगल जो है उच्च का होता है किसके घर में, कौन से घर, कौन सी राशि में उच्च का होता है मंगल, अपने सेवक के घर में, अपने सेवक की राशि में, मंगल का सेवक होता है शनि, मंगल का सेवक है शनि, क्योंकि मंगल है सेनापति तो शनि है सेवक। अब सेवक के घर में सेनापति गया तो भैया चौधरी तो सेनापति के लाया, तो मकर राशि के अंदर मंगल जो है उच्च का होता है, मकर राशि के अंदर मंगल उच्च का होता है, तो मकर राशि के अंदर अगर मंगल उच्च का है तो कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। अब बात तो समझना, जो कर्क राशि है वो किसकी राशि है, चंद्रमा की, और चंद्रमा है राजमाता, राजमाता के घर में अगर मंगल गया सेनापति गया तो हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, राजमाता की जय, तो वहां पे रहेगा नीच का। अब अगर सेवक के घर में मंगल गया सेनापति बन के गया तो कहेगा चौधरी तो मैं ही हूं बेटा यहाँ का, तो उच्च का आया। अब इसको घर पे ले लो, जो हाउसेज है वहां लगा दो, 10वें घर में अगर मंगल बैठ गया तो इंसान बहुत ज्यादा कर्मशील होगा, कर्मठ होगा, जिनके 10वें घर में मंगल बैठा वो लोग बहुत ज्यादा कर्मठ होते हैं,
फोर्सेस में हो सकते हैं, बल के, बल बल की जो फोर्सेस जो चीजें होती हैं उनमें हो सकते हैं, जितनी भी सरकारी तंत्र से बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्ट बन सकता है उनका। डिटेक्टिव सर्विसेज के अंदर वो लोग हो सकते हैं, एयरफोर्स बल, जितनी भी वायुसेना या और जो भी फोर्सेस होती हैं, आर्मी आर्मी वगैरह, डिफेंस, पुलिस फोर्स, सब। अब बहुत कर्मठ होते हैं क्योंकि दसवां का क्रम, मंगल कार्मिक, मंगल मंगल मतलब श्रम, मंगल श्रम का है, राइट, मस्कुलर पावर है, तो कार्मिक कर्मठ लोग होते हैं। अपने अपने पे हिम्मत रखते हैं और काम पे हमेशा विश्वास रखते हैं। यही मंगल को उल्टा कर दो, चौथे में बैठा दो, चाहे राशि कोई भी बैठी हो, चाहे राशि कोई बैठे, चौथे घर में मंगल बैठ गया तो अपने ही घर में आग लगाएगा। अपना घर कौन सा है? चौथा घर। मंगल क्या है? आग। कहाँ बैठा? पानी में। अपने घर में आग लगाएगा, अपने घर की बैंड बजाएगा। और जिसके चौथे घर में मंगल हो वो देख लेना चेक करके, और जितना ज्यादा पावरफुल वहां मंगल बैठेगा उतनी बैंड बजाएगा। चौथे घर में बैठा मंगल मांगलिक पे कहलाता है, स्ट्रांग मांगलिक होता है, मंगल की जब मांगलिक पे चलेंगे तब देखेंगे। और इसलिए चौथे घर का बैठा मंगल खुद की तबाही करता है, माता के लिए पेनफुल बनता है, माता के लिए वो पेनफुल हो जाता है। ठीक, चौथे घर के लिए, चौथे घर का मंगल पिता के लिए भी पेनफुल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पिता से वो छठा है, बारह छठा है मैडम, नौ से, नौ से चौथा गिनो, चार से, चार से नौ आओ, क्योंकि चार में मंगल बैठा है तो चार से नौ आओ, छह आएगा, छह आएगा। चौथे घर में मंगल बैठा हुआ मंगल तकलीफ का कारक बन जाता है, इसलिए घर गृहस्थी के लिए भी, परिवार के लिए भी। इसलिए चौथे घर का मंगल ना तो पारिवारिक सुख खुद लेगा और ना परिवार को ले देता, कि चौथा घर क्या था? हैप्पीनेस। शांति रहेगी तो हैप्पीनेस आएगी, शांति नहीं होगी दिमाग में तो हैप्पीनेस कहां से आएगी? चौथा घर क्या? मानसिक, दिमाग। अगर दिमाग ही हमेशा आग बबूला है तो शांति कहां से आएगी, तो हैप्पीनेस कहां से आएगी? इसलिए ऐसे व्यक्ति को बोलो, भाई तू पानी की, पानी में रह, पानी के साथ कनेक्ट कर अपने आप को, शांत रह, शांत रह, शांत रह। ऐसे व्यक्ति को कभी भी, जो ना, जिस व्यक्ति का चौथे का मंगल बैठ गया, टिप्स हैं, दीज आर नॉट रेमेडीज, कैन बी यूज एज रेमेडीज बट दीज आर स्मॉल टिप्स, उसको बोल लाल अंक को बोल नमस्ते, लाल अंक से कभी नमस्ते, हाथ वो नहीं करना, हनुमान जी की हमेशा करो भक्ति, और पानी का करो खूब सेवन, सफेद रंग को पहनो, सफेद चीजों को पहनो, मोती पहना जाएगा सब्जेक्ट टू चंद्रमा कंडीशन, वो अलग बात है। तो शांति को लेके आओ और अग्नि को वहां से हटाओ तो थोड़ा सुकून आना शुरू होगा, ताकि घर में, घर में भंग नहीं होगा। ठीक, इजी अंडरस्टैंडिंग? चले आगे चलते हैं, आगे मंगल। सर यहीं पे एक अभी दूसरे मंगल खत्म नहीं हुआ, अभी तो चालू हुआ है। मंगल के पूछ रहा हूँ सर, यू सेड मंगल अच्छा वो बोलो बोलो। सेवक के घर में गया, 10वें घर में मकर राशि में तो चौड़ा हो गया, तो सेवक तो वो 11वें में भी तो है, कुंभ में ऑलराइट, सो वो नहीं दो राशियां कनेक्ट होती है किया। वहां पे, मंगल को, वहां मंगल को उच्च का नहीं है, वहां पे मंगल उच्च का जो है मकर राशि में ही है, और दूसरी राशि में मंगल उच्च का नहीं है, उसमें उसमें मंगल को बेनिफिट मिलेगा बट उच्च का नहीं मिलेगा। 11वें घर में कोई भी प्लैनेट जाता है वो सारे प्लैनेट वहां पे अच्छे काम करते हैं, वहां पे तो मंगल भी काम अच्छा करता है वहां पे। हाउ So एवर how will उच्च we का जो है know the चौथे में ही है। difference? How will we know the difference now? Because ओके, तो 11वें घर में, 11वीं राशि में जब मंगल बैठेगा तो 11वीं राशि में बैठा मंगल, शत्रु की राशि में मंगल बैठा है, तो शत्रु की राशि में जब मंगल बैठेगा तो मंगल अगर अच्छा होगा चार्ट में, इट विल गिव गुड रिजल्ट। अगर 11वें घर में मंगल बैठा है, 11वें घर में सारे बैठे हुए प्लैनेट आमतौर पर अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं, जैसे जैसे चार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगी बात ये। एक ओके, शनि, मोर शनि मतलब, कंफ्यूज्ड तो शनि देर इज नो मतलब कंफ्यूजन, शक्ति इजी, तो सर, समझो। बट द 11th राशि देन निश्चित
Aquarius is how is Aquarius is related to Saturn, like how हाँ Capricorn is related to Saturn. So आप कहाँ पे differences दिखा रहे हैं सर, कैसे डिफरेंस कर रहे हैं? मंगल जो है दसवीं राशि में, मंगल मकर राशि के अंदर उच्च का माना जाता है, सो दैट्स ठीक वन है, रूल, एक रूल दस है. हाँ रूल, ये रूल है। जी और समझाने के लिए मैंने आपको ये बोला कि शनि की सेवक के घर में गया ताकि हाँ आपको जी याद हो जाए। अब बात आती है ओ कि 11वीं राशि में कैसे गया। 11वीं राशि में जब मंगल जाएगा, पहली बात 11वीं राशि मंगल की एक्चुअली शत्रु राशि है मंगल के लिए। ओके शनि सर इज अ शत्रु फॉर मंगल। देखो अब ये भी एक कहानी है छोटी छोटी याद करने के लिए। बता दीजिए. सबॉर्डिनेट्स ऑलवेज ऑलवेज टॉक नेगेटिव फॉर मोस्ट ऑफ टाइम, टॉक नेगेटिव फॉर दी बॉसेस, इज सिंपल रूल, ठीक है। जो एम्प्लॉय होगा वो अपने ऊपर वाले के लिए हमेशा फालतू ही बोलेगा, एक रूल है, जनरल बात है ये। सो शनि सेवक है, मंगल यहाँ पे अधिकारी है, मंगल सेनापति है। तो जो सेवक है वो डिस्कनेक्ट रहता है बॉस से। तो मंगल जब 11वीं राशि में बैठता है तो शत्रु की राशि में बैठा होता है वहां पे, ठीक है। और 11वीं राशि शनि की मूर्तिकोण राशि है, पावरफुल राशि है। और 10वीं राशि शनि की जो बच्चा राशि है, उगती हुई राशि मानी जाती है। तो जब जब सेवक वीक होता है ना, तो मंगल बिकम चौधरी। और जब सेवक खुद स्ट्रांग बन जाता है तो मंगल चौधरी नहीं बन पाता, ठीक। तो मंगल जो है 11वीं राशि के अंदर वीक, इसलिए शत्रु की राशि में बैठा था क्योंकि वहां पे शनि मूर्ति कोण का है, शनि की थैंक यू स्ट्रांग सो मच, राशि है थैंक वो। यू, वेरी नाइसली एक्सप्लेन सर, थैंक यू सर. ये कहानी है याद करने के लिए, बुक में नहीं मिलेगी लिखी हुई, ठीक। शनि मंगल की वापस आते हैं। मंगल मंगल जो है करेज का प्लैनेट है, मंगल जो है हिम्मत का प्लैनेट है, हमारे सिबलिंग्स यंगर सिबलिंग्स का कारक है। मंगल फायर, मंगल भूमि का कारक है, मतलब प्रॉपर्टी का कारक है। सर्जन, सर्जन के अंदर मतलब जो काटा पीटी इस तरह के जो मार धार लड़ाई झगड़े मिलिट्री फोर्स पुलिस शक्ति का प्रदर्शन, इस सब में हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। क्रिमिनल एक्ट्स में हिम्मत चाहिए, क्राइम एक्ट हिम्मत चाहिए, वो नेगेटिव मंगल है, बट से मंगल अगेन, ठीक। एनी काइंड ऑफ क्राइम, बीट ए सुसाइड सेल्फ सुसाइड, बीट खून खराबा, बीट रेप, बीट एनीथिंग, ऑल काइंड ऑफ क्राइम नीड पावर एंड दैट इज नेगेटिव मंगल, ठीक। मंगल इज बॉडी एनर्जी, मंगल इज जलने वाले पदार्थ, इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट्स, जलने वाले पदार्थ मंगल। मंगल जो है इट्स एनर्जी, मंगल जो है भगवान हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। और हनुमान जी किसके सबसे बड़े सेवक थे? भगवान राम जी राम के, सूर्य के। तो मंगल का सबसे ज्यादा मित्र प्लैनेट होता है राजा, कैसे, एक और तरीके सुबह से बता रहा हूँ। सुबह सेनापति का सबसे बड़ा हजूर मालिक कौन? राजा राजा। तो मंगल ऑलवेज कनेक्टेड विथ राजा, राजा मतलब सन, वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोज बॉन्डिंग मंगल, ठीक। याद करने के तरीके हैं ये, ठीक। मंगल इज ए रॉ एनर्जी, मंगल इज पावरफुल एनर्जी, मंगल इज डिटर्मिनेशन, इज मंगल साइंसेस भी है, लर्निंग ऑफ साइंसेस भी है, मतलब इंजीनियरिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी, ठीक। मंगल जो है हमारी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। मंगल कुछ कनेक्ट बताता हूं, मंगल और शुक्र और राहु अगर बिगड़ी हुई एनर्जी के साथ आ जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग वासना क्रिएट करते हैं, नेगेटिव। मंगल किसी भी चीज के अंदर एक उत्तेजना को बढ़ाता है, उत्तेजना का कारक है मंगल। उत्तेजना का कारक शुक्र नहीं है, उत्तेजना का कारक मंगल है, तभी तो लड़ाई होती है। अगर उत्तेजना नहीं होगी तो फाइट नहीं होगी, फोर्सेस नहीं होगी। उत्तेजना नहीं होगी तो सर्जन काट नहीं सकेगा, सर्जन में अंतर ना फायर होनी चाहिए काटने के लिए, ठीक।
उत्तेजना का कारक है, एनकरेजमेंट, एनर्जी, करेज का कारक मंगल। मंगल का जो जो रूलिंग डायट्री है वो है भूमि, भूमि माता, क्या कैसे बोलते हैं, धरती की माता, हाँ ऐसे नहीं, पृथ्वी माँ। पृथ्वी माँ, पृथ्वी माँ। और स्कंदा देवी, स्कंदा देवी जो है मंगल की रूलिंग मतलब रूलर मानी जा सकती है। अब मंगल का जो जो मंगल का रेड कॉलर, मोंगा, मंगल का पत्थर या स्टोन। मंगल इज कारक ऑफ एक्सीडेंट्स, प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हाई लो ब्लड प्रेशर, एनीमिया, इंजरीज का कारक, पाइल्स का कारक मंगल, ऑपरेशन का कारक मंगल, सफरिंग्स। मंगल और राहु शनि केतु के साथ मिल जाए तो बहुत तकलीफ का कारक बनता है, शारीरिक कष्ट का कारक बनता है, शारीरिक तोड़फोड़, एक्सीडेंट, सर्जरीज, मार पिटाई, जेल, खून खराबा, इसका कारक बनता है मंगल। इसलिए मंगल की युति या मंगल का कनेक्ट या मंगल का अगर मैलिफिक कनेक्ट स्ट्रांग बनता है तो इंसान को ऐसी तकलीफें आती हैं जीवन। मंगल और राहु मिलके अंगारक योग क्रिएट करते हैं, अंगारक यानी कि राहु क्या है, राहु स्प्रेडिंग है, राहु बढ़ाना है, स्प्रेड। मंगल एनर्जी आग, तो अंगारक क्या है, अंगार क्या है, अंगार आग, जलती हुई आग, उसको बढ़ा दो, अंगारक योग बनाता है मंगल राहु। तो इंसान के अंदर में उत्तेजना या बहुत तेजी से आती है, एकदम तेजी से, आप वो बोला एकदम तेजी से, ठीक शांत हो जाएगा लेकिन एकदम हाईली इंटेंसिटिव इंटेंसिटी हो जाएगी। जिसका मंगल राहु इकट्ठा होगा वो व्यक्ति अपनी यंग एज स्टेज पे, यंग में बहुत तेजी से उत्तेजना में आ जाता है, एकदम रूड, जिसको बोलते हैं रूडनेस, वायलेंट नेचर, इस तरीके से मिलेगा। आप चेक करना जिन जिनकी पत्रियों में आपको मिलेगा, दिखेगा आपको नेचर में उनके। मंगल, मंगल के जो जो नक्षत्र है वो है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के हैं। मंगल एक राशि है, 45 दिन तक रहता है मंगल। मंगल मेल प्लैनेट है, पुरुष प्लैनेट है मंगल। मंगल का जो मैटर है वो कॉपर माना जाता है मंगल का। और मंगल एक फेरी आएगा। मंगल की जो दो राशि होती है, एक एरीज और एक वाटर, एक स्कॉर्पियो। एरीज राशि फायरी है, स्कॉर्पियो राशि वाटरी है। अब बात समझ रहे हैं यहाँ पे, जिसके लगन में 8 नंबर की राशि आ जाती है, 8 नंबर की राशि का एलिमेंट जो है वाटर है, मंगल की राशि है, अगर वो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटिव होगा। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी जागृत होती है, और खास तौर से यंग स्टेज, क्योंकि यंग स्टेज ऐसी होती है ना, सिर ना पैर का पता, अपनी धुन, तो ना किसी की सुननी, इसलिए फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है वहां पे, आग बबूला बहुत जल्दी होता है, इसलिए उत्तेजना भी उतनी ज्यादा होती है इसलिए उसमें 8 नंबर की राशियों में। मंगल की दशा चलती है, 7 साल की मंगल की दशा चलती है। हनुमान जी को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल। और मंगल का जो वैदिक मंत्र है, ओम अंगाराय नमः, ओम अंगाराय नमः, मंगल का जो वैदिक मंत्र है ओम अंगाराय नमः। और मंगल का जो बीज मंत्र है वो ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भूमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भूमाय नमः। मंगल का जो रुद्राक्ष है वो 3 मुखी रुद्राक्ष माना जाता है मंगल का। और मंगल जो है अनंत मूल की जड़ को मंगल की जड़ मानी जाती है, अनंत मूल की जड़। मंगल के जो पशु पक्षी माने जाते हैं वो नॉर्मली चमगादड़, भेड़िया, भेड़, शेर, बंदर, बांदर, तो ये सब चीजें बंदर मानी जाती हैं मंगल की। मंगल के जो जो आर्टिकल्स माने जाते हैं, मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल मंगल की, तांबा मंगल का माना जाता है, तांबा, रेड सैंडल, सैंडलवुड,
रेड लाल रंग के वस्त्र, लाल चीजें, लाल फ्लावर, ठीक है, मूंगा, मंगल का यंत्र, गुड़, ये सब मंगल की मानी जाती है। मंगल अगर बढ़िया होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत एडवेंचरियस होगा, जेनरस होगा, हाईली एनर्जेटिक होगा, एट द सेम टाइम हाईली अकोमोडेटिव भी होगा, डिप्लोमेटिक होगा, थोड़ा सा हीरोई हीरो ये वॉरियर वाली उसकी नेचर होगी, वॉरियर नेचर होगी, हीरोइक उसमें कला होगी, हीरोइक कला जैसे होती है कुछ कर्तव्य कारनामे दिखाने वाली स्टाइल वो होगा। आगे बढ़ के कार्य करने वाला होगा, पायनियर होगा, मतलब जो कंट्रोल होगा वो फ्रंट से लेगा, पीछे से नहीं होगा। दे अंडरटेक द प्रोजेक्ट्स, ये अपने हाथ में लेके काम करते हैं, हाथ अपने अपने पे विश्वास रखते हैं। दे डू लेबर, हार्डवर्क करते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, स्ट्रेट, ठीक है। अच्छी बॉडी बिल्ड होती है, मजबूत शारीरिक इनका वजन होता है और स्ट्रांग फीलिंग वाले लोग होते हैं। यही अगर मंगल नेगेटिव होगा तो इंसान एग्रेसिव होगा, रैश होगा, इंसान में जलन की भावना होगी, इंपल्सिव होगा, वायलेंट होगा, क्रूर होगा, दूसरों की फीलिंग नहीं होगी, फीलिंग कर नहीं पाएगा, और कहते हैं पत्थर पे सिर मारने वाला इंसान होगा, पत्थर पे पटक के सिर मारे, इस तरीके से उसकी नेचर रिप्रेजेंट करेगी। मंगल का फिजिकल अपीयरेंस स्ट्रांग होता है, मस्कुलर होता है, उसकी जो जिसके अंदर मंगल का तत्व बहुत होगा उसके ऊपर उसकी आंखों में लालियापन होगा, आंखें बहुत जल्दी लाल हो जाती है उनकी, मंगल बोन बैरो का कारक है। मंगल अगर स्ट्रांग होता तो मंगल बड़ा पैशनेट होता है, मंगल बड़ा डिसिप्लिन होता है, बट अगर मंगल वीक होता है बड़ा एग्रेसिव होता है। बॉडी पार्ट में हमारे जो जेनेटिकल ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। मस्कुलर सिस्टम जो होता है, ब्लड वेसल्स होता है, वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है हमारे, और हमारा जो फोरहेड होता है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, यूटरस, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, रेक्टम, ये सब मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। बोन मैरो बता दिया शायद मैंने, बोन मैरो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बात करें सर्विसेज की, जितनी भी सर्विसेज फोर्सेस को लेके होती है वो मंगल को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे वो किसी प्रकार की फोर्स होती है, फायर फायर डिपार्टमेंट की सर्विस, डिटेक्टिव सर्विस, सर्जन, वेपन की सर्विस, औजारों की सर्विस, काटा पीटा तोड़ा फोड़ी की सर्विस, स्पोर्ट्स के लिए मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो कारक ग्रह है मंगल स्पोर्ट्स के लिए, हेल्थ वर्कर, इस टाइप के जो मेहनत मशक्कत वाले कार्य होते हैं। जर्नलिज्म में मंगल बहुत पावरफुल है, क्योंकि जर्नलिज्म जो साइट जर्नलिज्म होती है वो बड़ी टफ काम होता है, वो भी तो उसमें मंगल बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। प्रॉपर्टी डीलर का काम, प्रॉपर्टी का काम, मेडिकल शॉप, ठीक, इस जो होती है सिक्योरिटी की सर्विसेज, तो इसमें मंगल कारक ग्रह, स्ट्रॉन्ग कारक ग्रह माना जाता है। मंगल को अगर हम देखें तो मंगल अपेंडिक्स का कारक मंगल है, अबोर्शन का कारक मंगल बनता है, हर्निया का कारक मंगल बनता है, ठीक, और ब्लड से रिलेटेड समस्याएं, जैसे हमने जो बॉडी पार्ट अभी बात की उनसे रिलेटेड समस्याएं, ठीक, उसका कारक मंगल बनता है। सनस्ट्रोक का कारण कारक मंगल बनता है, बर्न इंजरी का कारक मंगल बनता है। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीज ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कैश्यू नट, ग्राउंड नट, मस्टर्ड ऑयल, गार्लिक, जिंजर, ठीक, और अल्कोहलिक के अंदर देखा है तो ब्रांडी, विस्की, इसका कारक मंगल बनता है। जो तीखे जो नोकदार उपकरण होते हैं, जैसे चाकू, जैसे तलवार, काटा, जो तीखे नोकदार, एक्स काइंड ऑफ, जो वो एक्स होता है जो ठोकने वाला होता है वो एक्स, ठीक है, वो जो इस प्रकार के होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये सारे कारक मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सर, मंगल स्ट्रॉन्ग होता है तभी हमें रेड कलर नहीं यूज करना, या मंगल वीक होता है तब? वीक होता तो यूज नहीं करना चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग होता तो और एक्टिवेट नहीं हो जाएगा रेड हम ज्यादा यूज करेंगे तो?
नहीं स्ट्रांग होगा तो अगर आपको मंगल स्ट्रांग है और आपको और ज्यादा मतलब इट्स ऑलरेडी गुड गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स तो नो नीड टू यूज इट, बट इफ नॉट गिविंग तो मेक यूज ऑफ इट। मतलब कई बार क्या होता है कि मंगल जैसे हमारा कारक प्लेनेट है और ऐसी जगह बैठा है जहां से स्ट्रांग रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, मेक यूज ऑफ रेड कलर्स। ठीक है, एक आसान अभी हमने किया नहीं है बट एक चलो जो हम करेंगे तो बताऊंगा डिटेल में, बट एक आसान बात बताता हूँ। हमने बात किया आपको आप इस चीज का ऐसे देखना, पहले टाइम में लोग ना लाल लंगोट पहनते थे, ठीक, हमारे जेंडिकल पार्ट्स 8वीं नंबर की राशि है, 8 नंबर मंगल का है, 8 नंबर लाल है, 8 नंबर के कपड़े बाय डिफॉल्ट मंगल सेट रखते हैं। सोच के देखो, इसी प्रकार 4 नंबर सफेद है। इंसान पहले, आजकल तो रंग बिरंगी बनियान आती है, इंसान पहले सफेद रंग की बनियान पहनता था, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हमारा छाती 4 नंबर है, इंसान पीला टीका लगाता था, शेफ्रॉन, ठीक, केसर का टीका सूर्य माथे पे। ये भी करेंगे राशि दवाई तब भी देखेंगे, बट इंसान का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जीवन शैली कैसे बदली उसको देखो, और कहाँ आके अब लैंडिंग जा रही है धीरे धीरे धीरे, आने वाले टाइम में तो और भी लैंडिंग गड़बड़ी घट रही है। इसको सेट कर लो तो जीवन आधा वैसे ही सेट होना शुरू हो जाता है। अभी मैं मंगल पे था तो मंगल पहले कंप्लीट करते हैं आगे। मंगल रिप्रेजेंट्स हमारे यंगर सिस्टर्स, यंगर ब्रदर, सिबलिंग्स, और मंगल इज एम्यून, क्या बोलते हैं, एम्यूनेशन, क्या क्या वर्ड है, राइट, एम्यूनेशन, एम्यूनेशन, हाँ, बारूद बेसिकली। ठीक, मंगल, मंगल इज ए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम नीड एनर्जी, मंगल इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन अदर वे आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, जिन लोगों का मंगल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है वहां पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो यंग एज तो बाय डिफॉल्ट मंगल एक्टिवेट रहता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मंगल गेट वीक एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट फीकर। मंगल मंगल के विषय में और बात करें तो मंगल कार्य क्षेत्र में, मैं शायद बता दिया और क्या रह गया, ऑलमोस्ट मैं शायद बता ही दिया मंगल के विषय में। अगर पीड़ित मंगल होगा तो इंसान के पारिवारिक समस्याएं पैदा होंगी परिवार में, क्योंकि पीड़ित मंगल जो होगा वो वाद विवाद का कारक बनता है, संबंधित संबंधों में दिक्कतों का कारक बनता है। ठीक, शत्रुओं से हमेशा उलझना पड़ता है ऐसे पीड़ित मंगल वाले को, और जिसका मंगल स्ट्रांग होता है ऐसा व्यक्ति चुनौतियों का सामना करता है स्ट्रांगली और स्वीकार करता है चुनौतियां, और चुनौतियों पे विजय भी प्राप्त करता है, बिगड़ता नहीं, घबराता नहीं, डगमगाता नहीं है। अच्छे मंगल वाला व्यक्ति निडर होता है, पराक्रमी, साहसी होता है, स्ट्रांग मंगल वाला व्यक्ति। मंगल का दिन जैसे सूर्य का दिन संडे था, चंद्रमा का दिन मंडे था, मंगल का दिन मंगलवार है, और मंगलवार का फास्ट भी अच्छा कार्य करता है मंगल की शांति के लिए। हनुमान चालीसा अच्छा कार्य करती है, हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए, और रतन का उपयोग, रतन जब आएगा तब देखेंगे, रोगों में फोड़े फुंसी भी मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जब इंजरीज होते हैं, वॉर्म वॉर्म्स जिसको बोलते हैं, तो ये सब मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मंगल, आई थिंक मंगल इज कंप्लीटेड, यस मंगल इज कंप्लीटेड जी, आई थिंक जी। माउंटेन्स को मंगल रिप्रेजेंट करता है, माउंटेन्स को, किचन माउंटेन हमारी मंगल है, हमारा स्टोव चूल्हा मंगल है, मशीनरी मंगल है, इंजीनियरिंग तो शायद मैंने यूज किया था पहले, इंजीनियरिंग सर्विसेज मंगल, केमिस्ट्री, लेबोरेटरी, मैथमेटिक्स, लॉजिक्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, रिसर्च वर्क मंगल,
रिप्रेजेंट करता है, मंगल स्ट्रेंथ है, मंगल लैंड प्रॉपर्टी भी है, अनट्रस्ट वर्दी एक वर्ड, दिस इज बैड मंगल, अनट्रस्ट वर्दी। ठीक, मंगल मतलब सर, मतलब अनट्रस्ट वर्दी का मतलब भरोसे का काबिल नहीं, भरोसे लायक नहीं है, अनट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी क्या होता है, जो भरोसे के काबिल हो, अनट्रस्ट वर्दी जो भरोसे के काबिल नहीं है। ठीक, मंगल, मंगल आई थिंक आई कवर ऑलमोस्ट थिंग, कुछ और याद आकर तो बता दूंगा। यस आई थिंक अबाउट मंगल, नहीं तो हम आगे चलते हैं। सर मंगल का और सूर्य के आर्टिकल्स ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं, जैसे वही जी सेम। ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ओके क्योंकि दोनों ही फायर प्लैनेट है। ओनली डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति ओके है, दोनों फायर एलिमेंट्स, प्योर फायर एलिमेंट्स है दोनों। जिसके अच्छा, मंगल को हमने मान लो, मंगल जिसके लगन में बैठा है उसके दिमाग में हमेशा फायर रहती है, गुस्सा। अच्छा गुस्सा रहेगा, सिर पे गुस्सा रहेगा, ठीक है, हाँ आप देख लेना उसके। सर होता है सर, मैंने है। और सन भी, सन सन भी अगर सन साले सन बैठ भी, जाएगा तो हाँ और ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा होगा। और ज्यादा हो जाएगा। ऐसा आदमी फिर किसी की सुनता नहीं है, ये है सर, सुनता नहीं किसी की, फिर वो अपनी किसी करता, अपनी की झांकता है। अपने मन की करते हैं। हाँ, अपने मन की करता, पिट के समझ में आती है, उसको पिट रहे दो तब समझ में आएगी, समझा नहीं समझ में आएगी, बातों की समझ में नहीं आएगी ऐसे व्यक्ति को। हाँ, समझा के भी समझ नहीं आता। तो थोड़ा सा पिट ले तो समझ में आ जाएगी। जी सुमित जी, सर दोष इसका जो आपको बता रहे थे, वात पित्त कफ मंगलवार, दोष मंगल का पित्त। हाँ, पित्त मंगल पित्त, सर, मेरी बेटी का मंगल लगन में है, तो अब वो 28 की भी हो गई है। शी इज अग्रेसिव। नो सरप्राइजिंगली, ओनली व्हेन यू डोंट लिसन टू व्हाट शी वांट्स टू यू टू डू, सो हाउ डू यू डिफाइन दैट? बट अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड हर एग्रेसिव, बट शी कितने नॉट। डिग्री का है, डिग्री कितनी है मंगल की? ठीक गुड क्वेश्चन सर, आई विल कम टुमारो विद आंसर। वो सीखना है सर आपसे। सर आपने मंगल के एनिमल्स बताए, तो इसके सन एंड मून के एनिमल्स बंदर। क्या थे? हाँ अच्छा, सन और मून के नहीं बताए थे मैंने, नहीं चंद्रमा के तो क्या मैंने बताए थे शायद, चंद्रमा अच्छा, क्या जैसे चूहा, कछुआ, मछली, ओके सफेद चूहा, सफेद चूहा, सफेद चूहा, ओके ठीक है। ये उसके थे मंगल, क्या बोलते, चंद्रमा के थे। और अगर बात करें सूर्य की, बात करें तो सूर्य के जानवर जो है, वन वाले जो जानवर होते हैं नॉर्मली, लाइन लाइन सर, जैसे लाइन रहेगा, शेर लायन, राजा, हाँ शेर, शेर राजा है, हाँ शेर सबसे बड़ा तो राजा वही है। ठीक हाँ जी, है, हाँ जी, एनिमल्स जान के क्या करें? घोड़ा, घोड़ा सूर्य का माना जाता है, घोड़ा। ओके सर, ठीक, एनिमल्स अब जी, मैम सर, घोड़े में भी सफेद घोड़ा? घोड़ा में सफेद घोड़ा या लाल घोड़ा, इसमें फर्क क्या आता है? जब हम सफेद घोड़ा यूज करते हैं तो उसको चंद्रमा के लिए यूज कर लेते हैं, जब हम लाल घोड़ा यूज करते हैं तो हम उसको मंगल के लिए यूज कर लेते हैं, बट इन जनरल घोड़ा इज सन, इन जनरल। हाँ इसलिए वो क्यों, वो वास्तु के पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं एज ए रेमेडियल फैक्टर, यहाँ सेवन हॉर्सेस की वो होता है घोड़ों ना, की वो फोटो हाँ लगाते हैं। फोटो लगाते हैं चलो, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। सर, जो सॉफ्टवेयर है वो ट्रू एस्ट्रो वाला यूज करना है ना? टू एस्ट्रोलॉजी नहीं, पार्शल एड यूज करो या फिर हॉरोस्कोप यूज करो, हॉरोस्कोप का। तो फाइनली एनिमल्स हमें कौन सा लेना चाहिए? पार्शल एड इज गुड टू गो। अच्छा सर, वन क्वेश्चन है ऐसा, जैसे एनिमल्स आपने बताए हैं, तो उससे क्या मतलब, हमको तो क्या प्लैनेट्स के साथ क्या मतलब, क्या फायदा होगा मतलब प्लैनेट्स के? रेमेडियल मेजर में काम आएगा,
कि उनकी मूव उनकी पिक्चर्स लगाना या उनका वो पिक्चर्स करना। लगाना रेमेडियल स्पेसेस में इफेक्टिव लगेगा, ये काम आएगा। ओके सर, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर बोला सर? पैशन है, प्राशा लाइट, प्राशा लाइट, प्राशा लाइट। सर इसकी स्पेलिंग लिख दीजिए, PRASHAR, प्राशर, प्राशर, PRASHAR, प्राशर लाइट, LIGHT लाइट, प्राशर लाइट। सर